श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपुराजी टीकमगढ़। एक बार जो गया पपोरा उसका हुआ भला है, पत्थर को भी मोम बनाने वाली यहां कला है। श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपुराजी जैन धर्म का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। पपोरा टीकमगढ़ जिले का एक पुराना छोटा सा गांव है। टीकमगढ़ शहर का नाम पहले तेहरी हुआ करता था। बताते हैं कि बाद में भगवान श्री कृष्ण के एक नाम टीकम पर इस शहर का नाम पड़ा। श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपुराजी में एक ही स्थान पर 108 मंदिरों की स्थापना की गई है। इन मंदिरों का निर्माण 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ है। मंदिरों और मूर्तियों के आकर्षक रचना शिल्प की दृष्टि से पपुराजी जैन क्षेत्र बेमिसाल है। पत्थरों को इतने बारीक और सुंदर ढंग से तराशा गया है, मानो कलाकार ने पत्थर को मोम बनाकर सांचे में ढाल दिया हो। जैन धर्म क्षेत्र पपुराजी की पावन भूमि की एक विशिष्टता ये है कि यहाँ पहुँचते ही मन स्वतः पवित्र हो जाता है। पपुराजी का ये दिगंबर जैन मंदिर क्षेत्र 3 किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ दूर दूर तक हमें मंदिरों के अलावा शायद ही कुछ और दिखाई देता है। पपुराजी के इन मंदिरों में हमें अत्यंत सुंदर कलाकारी देखने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ जो चौबीसी बनी है वो भारतवर्ष में किसी और जगह देखने को नहीं मिलती। चौबीसी का अर्थ होता है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के अलग अलग बनाए गए 24 मंदिर। यहाँ जो चौबीसी स्थित है उसे 6-6 मंदिरों के 4 समूहों में बनाया गया है। एक बड़े मंदिर के इर्द गिर्द 6 मंदिर बनाए गए हैं। सभी मंदिरों को सफेद रंग में रंगा गया है। सभी मंदिरों का एक साथ और पृथक पृथक परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। ये संपूर्ण मंदिर समूह भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है।
पपोराजी मंदिर क्षेत्र जैन धर्म का सर्वाधिक प्राचीन स्थान है। इस विशाल देरासर को प्राचीन समुच्चय या सभा मंडप के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में एक मंदिर है और उसके चारों ओर 12 कलात्मक मठ हैं, जो संवत्सरण की सभाओं के प्रतीक हैं। इस स्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में निश्चित ही ये एक तपोभूमि रहा होगा, जहां पर साधुजन निवास किया करते होंगे। बुंदेलखंड के तीर्थ क्षेत्रों में पपोराजी का अपना एक अलग ही स्थान है। प्राचीन 108 गगनचुंबी विशाल सफेद मंदिरों के इस समूह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी झील में शुभ्र कमल खिले हुए हैं। यहाँ बने ऊंचे ऊंचे मंदिरों के शिखर आकाश को चूम लेने के लिए आपस में होड़ लेते दिखाई देते हैं। इस मंदिर में आकर श्रावकगण अपने सभी दुख दर्द भूल जाते हैं और संसार की सारी दूषित मनोवृत्तियों से परे हो जाते हैं। बुंदेलखंड अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहां आदर्शों के स्तंभ रूपी अनेक तीर्थ स्थल मौजूद हैं। जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पपोराजी उन्हीं में से एक है। पपोराजी की एक विशेषता यह है कि यहां प्राचीन और अर्वाचीन काल में बनाए जाने वाले तरह तरह के मंदिरों के नमूने देखने को मिलते हैं, जैसे रथाकार मंदिर इत्यादि। पपोराजी क्षेत्र के मुख्य द्वार पर एक रथाकार मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एक भव्य रथ में जुते हुए घोड़े तेजी से दौड़ते जा रहे हों। वास्तव में रथाकार रूप में बनाया गया ये मंदिर भक्ति से ओतप्रोत भक्तों को मोक्ष की राह पर ले जाने का प्रतीक है। यहाँ श्री बाहुबली का विशाल मंदिर स्थित है। ये मंदिर कुछ ही समय पहले बना है। बाहुबली मंदिर 225 फुट के घेरे में बना 24 खंभों पर आधारित एक गोलाकार मंदिर है। इस मंदिर में भगवान बाहुबली की 18 फुट ऊंची मनोहारी प्रतिमा स्थापित है, जो श्रवण बेल गोला की याद दिलाती है। मूर्ति के चेहरे पर झलकता हुआ तेज भक्तों के मन को अपार शांति प्रदान करता है। मंदिर के अंदर छत पर अत्यंत सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह एक झरोखे जैसा बनाया गया है। श्री बाहुबली की इस कलात्मक मूर्ति को देखकर यही प्रतीत होता है जैसे भगवान बाहुबली स्वयं हमारे सामने प्रकट हो गए हों। 24 तीर्थंकर भगवान एक ही छत के नीचे यहाँ निवास करते हैं। यहाँ प्रत्येक तीर्थंकर प्रभु का एक मंडप बनाया हुआ है और हर मंडप पर सुंदर कलाकारी की गई है। इन मंडपों में विभिन्न तीर्थंकर प्रभुओं की मूर्तियां स्थापित हैं। गर्भगृह में स्थित एक मंडप में वीर प्रभु श्री महावीर स्वामी की सफेद संगमरमर से बनाई गई अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित है। श्री महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु हैं। श्री महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह है। श्री महावीर प्रभु की महिमा जैन श्रावकों में अपरंपार है। इस मंडप के दोनों ओर के स्तंभों पर द्वारपाल की आकृतियां बनी हुई हैं। महावीर स्वामी के इस मंडप पर सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। दूसरी ओर प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्री आदिनाथ प्रभु की सुंदर मूर्ति स्थापित है। श्री आदिनाथ प्रभु का चिन्ह बैल है। श्री आदिनाथ भगवान को वृषभ देव प्रभु के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु के मुख पर अलौकिक तेज देखने को मिलता है। मंडप के स्तंभों पर बनी द्वारपाल की आकृतियां मंडप की शोभा और बढ़ा देती हैं। इस मंदिर का शिखर अत्यंत सुंदर है। विभिन्न रंगों से रंगा ये शिखर और उस पर की गई सुंदर कलाकारी मंदिर की पावनता को और बढ़ा देते हैं। पपोराजी मंदिर क्षेत्र में सभी जैन तीर्थंकरों के मंदिर बने हैं। इस मंदिर में श्री चंद्र प्रभु स्वामी मुख्य रूप से विराजमान हैं। श्री चंद्र प्रभु स्वामी जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर प्रभु हैं।
चंद्र प्रभु का चिन्ह चंद्र है। इस मंदिर को देखते ही पता चल जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल में बनाया हुआ है। ये मंदिर सन 1892 में बनाया गया। यहाँ श्री पार्श्वनाथ प्रभु मुख्य रूप से स्थापित हैं। पार्श्वनाथ प्रभु जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान हैं। इनका चिन्ह नाग है। पार्श्वनाथ प्रभु को सहस्त्रपना पार्श्वनाथ भी कहा जाता है। ये मंदिर सन 1904 में बनाया गया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुनहरे और लाल रंग से सुंदर कलाकारी की गई है। ये मंदिर बाहर से पूरा सफेद रंग से रंगा हुआ है। गोल आकार में बना ये मंदिर बहुत ही मनमोहक दिखाई देता है। यहाँ श्री पार्श्वनाथ प्रभु मूल नायक के रूप में उपस्थित हैं। पार्श्वनाथ प्रभु को शक्तिशाली स्वरूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में श्री पार्श्वनाथ प्रभु मंदिर के शिखर पर विराजमान हैं। मंदिर का शिखर नोकीले आकार में बनाया गया है। यहाँ श्री पार्श्वनाथ प्रभु के मंदिर अधिक बने हुए हैं। इन मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ऊंचे शिखरों से इन मंदिरों की शोभा और भी बढ़ जाती है। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में लगे हुए पेड़ पौधे मंदिर क्षेत्र को हरा भरा बनाते हैं। यहाँ बना श्री पार्श्वनाथ प्रभु का ये मंदिर भी अत्यंत सुंदर है। हाल ही में इस मंदिर की मरम्मत की गई है। ये मंदिर सन 1916 में बनाया गया। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर सुंदर कलाकारी की गई है। यहाँ स्थित पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा श्रावकों के मन को मोह लेती है। यहाँ स्थापित श्री पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। मूर्ति के दोनों ओर द्वारपाल की आकृतियां बनाई गई हैं। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति सफेद संगमरमर से बनाई हुई है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु अपने सर पर नाग के फन की वजह से जाने जाते हैं। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत सुंदर बनाया गया है। पूरे मंदिर में कांच की नक्काशी की गई है। मंदिर का ये मनोहर नजारा देखते ही बनता है। गर्भगृह में एक जगह पर चांदी का कलश रखा हुआ है। कलश को एक कांच के बक्से में रखा गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार अत्यंत सुंदर और कलापूर्ण बनाया गया है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु के मंदिर के प्रांगण में एक कमरा बना है। इस कमरे की दीवार पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को एक रात्रि में आए 16 सपनों का उल्लेख और चित्रण किया गया है। इन चित्रों को देखकर हमें जीवन के सार का पता चलता है। ये सारे चित्र बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। मंदिर का सफेद रंग का उच्च शिखर देखते ही मन को गौरव और आनंद महसूस होता है। सफेद रंग सरलता, शुद्धता, स्वच्छता और शांति का प्रतीक है। मंदिर क्रमांक 15 में अरहनाथ प्रभु जी मूल नायक के रूप में स्थापित हैं। श्री अरहनाथ प्रभु जी जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर प्रभु हैं। श्री अरहनाथ प्रभु का चिन्ह मछली है।
मंदिर क्रमांक 17 सन 1900 में बनाया गया। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही विशाल है। यहाँ पर भी श्री वृषभ देव अर्थात आदिनाथ प्रभु मुख्य रूप से विराजमान है। इस मंदिर में हमें चारों तरफ झरोखे देखने को मिलते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के ऊपरी भाग पर सुंदर गुंबज बनाया हुआ है। यहाँ श्री चंद्र प्रभु स्वामी की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित की गई है। चंद्र प्रभु स्वामी जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान के रूप में जाने जाते हैं। इस क्षेत्र में कई छोटी छोटी डेयरियां भी बनाई गई हैं। यहाँ विभिन्न तीर्थंकर प्रभु स्थापित किए गए हैं। यहाँ के फर्श पर अधिकतर संगमरमर बिछाया गया है। मंदिर क्षेत्र में अनेक सेवाभावी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। यहां मंदिर प्रबंधन द्वारा निशुल्क भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जहां मंदिर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में एक आयुर्वेदिक औषधालय भी चलाया जाता है। ये औषधालय आचार्य श्री विद्यासागर धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय के नाम से स्थापित है। इस औषधालय द्वारा साधारण गरीब तथा मंदिर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को निशुल्क दवा प्रदान की जाती है। मंदिर क्षेत्र में 4 अतिथि गृह बनाए गए हैं। यहाँ पपोराजी आने वाले श्रावकों के रहने के लिए कमरों की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक छात्रावास भी बनाया हुआ है, जहाँ अध्ययनरत छात्रों के लिए 20 कमरों का निर्माण समाज के सेवाभावी व्यक्तियों द्वारा किया गया है। सभी मंदिरों की इमारतें प्रायः 2 मंजिला हैं। ऊपरी मंजिल पर भी कई सुंदर डेयरियां बनाई गई हैं। सभी डेयरियों पर अत्यंत मनमोहक कलाकारी की गई है। मंदिर नंबर 70 अत्यंत सुंदर है। ये मंदिर अनेक रंगों में रंगा हुआ है। इस मंदिर में श्री पार्श्वनाथ प्रभु मुख्य रूप से स्थापित हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी का बनाया गया है। द्वार पर हमें ओम स्वास्तिक कलश जैसे चिन्ह बने दिखाई देते हैं। इस मंदिर का गर्भगृह अत्यंत सुंदर है। मंदिर के गर्भगृह में कांच की शानदार मीनाकारी की गई है। गर्भगृह को शीश महल कहना ज्यादा उचित होगा। यहाँ उपस्थित सभी तीर्थंकर प्रभुओं की प्रतिमाएं कलात्मक सुंदरता का श्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर के मुख्य मंडप में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति मूल नायक के रूप में स्थापित की गई है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी का ये जिनालय सन 1893 में तैयार हुआ था। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की इस मूर्ति के ऊपर सोने का विशाल छत्र चढ़ाया गया है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की ये मूर्ति अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु के दोनों तरफ अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मूर्तियां विभिन्न तीर्थंकरों की हैं। ये मूर्तियां सफेद संगमरमर की बनाई गई हैं। ये सभी प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये अभी इसी समय बोल पड़ेंगी। इन मूर्तियों के पीछे स्थित चक्र और प्रभु के ऊपर चढ़ाया गया छत्र सभी चांदी के बनाए गए हैं। इस मंदिर में प्रभु के दर्शन खिड़की जैसे बने एक झरोखे में से किए जाते हैं। गर्भगृह के भीतरी गुंबज को बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। उस पर मन को सुकून देने वाली रंगकारी की गई है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर अत्यंत सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। द्वार पर जैन धर्म से संबंधित विभिन्न चित्र अंकित किए गए हैं। ऊपर की ओर सभी दीवारों पर बड़ी संख्या में झरोखे बनाए गए हैं और मध्य में एक बड़ा सुंदर झूमर लगाया गया है। इस मंदिर के बाहर एक और कमरा है। इस कमरे में कांच से मीनाकारी की हुई है। ये सुंदर और जगमगाता गर्भगृह
अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। इस गर्भगृह की सभी दीवारों पर जैन धर्म से जुड़ी कई ऐतिहासिक कहानियों के चित्र लगाए गए हैं। गर्भगृह की छत पर भी कांच से कलाकारी की गई है। छत पर मध्य में एक सुंदर झूमर लगा है और उसके दोनों ओर दो छोटे झूमर लगाए गए हैं। इस मंदिर में श्री पार्श्वनाथ प्रभु के निर्वाण की सम्मेद शिखर जी वाली तस्वीर लगाई गई है। इस कमरे में भगवान श्री महावीर की माता के 16 सपनों का चित्रण और उल्लेख किया गया है। ये चित्र बहुत ही सुंदरता से बनाए गए हैं। अपने सैनिकों के साथ हाथी की सवारी करते हुए राजा का जो दृश्य दिखाया गया है वो आकर्षक है। इस चित्र को एक झरोखे में रखा गया है। श्री पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय के प्रवेश द्वार के आसपास हमें सुंदर शीशाकारी देखने को मिलती है। द्वार के दोनों ओर कांच की बनाई गई द्वारपाल की तस्वीरें, उनके नीचे कलश और ऊपर जैन धर्म का मुख्य चिन्ह बनाया गया है। ये दरवाजा चांदी का बनाया हुआ है और इस पर जैन धर्म के चिन्ह और श्री पार्श्वनाथ प्रभु का चिन्ह अर्थात नाग अंकित किए हुए हैं। मंदिर के कोने कोने से कलात्मकता झलकती है। दरवाजे के मध्य में से हम पार्श्वनाथ प्रभु की सुंदर प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। ये जो मंदिर हम अभी देख रहे हैं, इस मंदिर में श्री पार्श्वनाथ प्रभु मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं। पार्श्वनाथ प्रभु जी की मूर्ति काले पत्थर से बनाई गई है। पार्श्वनाथ प्रभु की ये मूर्ति अत्यंत सुंदर है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसी समय बोल पड़ेगी। ये मूर्ति संगमरमर से बनाए हुए कमल के फूल पर स्थापित की गई है। मुख्य प्रवेश द्वार पर और गर्भगृह के भीतरी भाग में मनमोहक शीशाकारी देखने को मिलती है। सुंदर शीशाकारी और मंदिर की जगमगाहट को देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। श्री पार्श्वनाथ प्रभु के ऊपर छत पर चांदी के छत्र चढ़ाए हुए हैं। मुख्य गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर द्वारपालों की सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर का मुख्य कक्ष काफी बड़ा है। मंदिर के गर्भगृह में सफेद संगमरमर लगाया हुआ है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के दोनों ओर की दीवारों पर दिगंबर संघ के पूज्य मुनिवरों की तस्वीरें लगाई गई हैं। गर्भगृह में एक मेज पर जैन धर्म से संबंधित अनेक पुस्तकें रखी हुई हैं। इन पुस्तकों से हमें जैन धर्म के इतिहास के बारे में पता चलता है। पूजा पाठ आदि की विधि को बताने वाले तथा जैन धर्म के अनेक ग्रंथ इस मंदिर में उपस्थित हैं। श्रावक गण अपनी सुविधा अनुसार मंदिर में आकर धर्म के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। कोई जलाभिषेक करता है, तो कोई अक्षत पूजा करता है, तो कोई चैत्य वंदन, तो कोई सिर्फ वंदना करके अपनी भक्ति भावना को प्रकट करता है। मंदिरों में सुबह या शाम आकर श्रावक भक्ति भाव प्रकट करते हैं। आसपास के श्रद्धालु या फिर मंदिर में आने वाले अतिथि श्रावक सुबह के समय
मंदिर में जलाभिषेक और अक्षत पूजा करने का लाभ लेते हैं। जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। मंदिर में सुबह के समय पूरे विधि विधान से प्रभु की स्तुति की जाती है। ढोल की थाप के संग झूमकर श्रावक अपनी अरदास प्रभु के सामने रखते हैं। कई श्रावक चैत्य वंदन करके भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। अश्वदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी अश्वसेन वामा माता उरलीनो अवतारी अश्वदी ग्यारस काशी में आनंद अति भारी। यहाँ आने वाले श्रावकों के मन में इतना उत्साह और भक्ति भाव होता है कि उसे देखकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। श्रावक भक्ति भावना में इतने लीन हो जाते हैं कि अपनी हर परेशानी भूल जाते हैं। महिला श्रावक मंदिर और मंदिर के परिसर में अपना सर ढककर ही प्रवेश करती हैं। पग उरग लखन सोहे सुरकृत अति अनूप पट भूषण सबका मन मोहे श्याम वरण नव हस्त काय पग उरग लखन सोहे सुरकृत अति अनूप पट भूषण सबका मन मोहे। जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपुराजी में कार्तिक सुदी 13 से अमावस्या तक वार्षिक मेला लगता है। अमावस्या को महावीर निर्वाण महोत्सव मनाया जाता है। पपुराजी रेल और सड़क मार्ग दोनों से जुड़ा है। मध्य रेल के दिल्ली भोपाल रूट पर नजदीकी रेलवे स्टेशन ललितपुर 65 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी रेलवे स्टेशन से पपुराजी की दूरी 100 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से पपुराजी जाने के लिए पहले टीकमगढ़ जाना होगा। टीकमगढ़ से पपुराजी 5 किलोमीटर दूर है। टीकमगढ़ के इस जैन तीर्थ क्षेत्र के आसपास हमें चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। यहाँ का वातावरण आने वाले श्रद्धालुओं के मन को बहुत सुकून देता है। इस संपूर्ण मंदिर क्षेत्र का हर कोना धर्म की विराटता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। मंदिर क्षेत्र पर जब सूरज की किरणें अपनी कृपा बिखेरती है तो बड़ा ही अलौकिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। पूरे मंदिर क्षेत्र का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा देवलोक जमीन के इस हिस्से में आकर बस गया हो।
जैनम जयतु शासनम, जय जिनेन्द्र।